हेलो दोस्तों, मैं हूं उमेश सेन और आज का टॉपिक है अपने बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाएं। अगर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा पढ़ लिख कर संस्कारवान बनेंगे तो वो आपकी गलत धारणा है। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने का सबसे बड़ी हाथ माता पिता की होती है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार देंगे तभी आपका बच्चा इंसान कहलाएगा। तो मुद्दा ये है कि अपने बच्चे को संस्कारवान कैसे बनाएं। अगर वाकई ही आप अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना चाहते हैं तो मेरे बातों को अंत तक सुने। मैं आपको 10 आसान तरीके अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए बताऊंगा। अपने बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आपको उसकी शिक्षा, दीक्षा, अच्छी आदतों तथा नैतिक मूल्यों के साथ साथ इन संस्कारों को बचपन से ही डालना होगा। तभी युवा होकर वह एक अच्छा इंसान बनेगा और अपने देश का एक अच्छा नागरिक। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसकी सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है जहाँ से वह अच्छे संस्कार सीखता है। माँ उसकी पहली गुरु होती है। माता पिता का यह दायित्व होता है कि वह संस्कारवान बनाए। अपने बच्चे में अच्छे संस्कार का बीजारोपण करने के लिए आपको भी एक अच्छा इंसान बनना होगा, जिससे आपका बच्चा आपके ही अपना मार्गदर्शक और आदर्शमान मान सकें। आइए अब हम आपको ऐसे 10 अच्छे संस्कार के बारे में बताते हैं। तो ऐसे 10 संस्कार के बारे में बताने से पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कुछ कमेंट भी करें अगर कुछ पूछना हो तो। और अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपके बच्चों के लिए मैं और नए नए चीज़ों को अपलोड करूँगा। तो चलिए मैं आज का टॉपिक को जो स्टार्ट किया हूँ उसका अंत भी कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि जो 10 आदतें हैं, कौन सी आदत है, कौन सा तरीका है जो अगर आप अपने बच्चे को सिखाते हैं तो डेफिनेटली 100% गारंटी है कि आपका बच्चा संस्कारवान बनेगा। तो सबसे पहला है आपका ईश्वर में आस्था। ईश्वर में आस्था आपको याद रखना है कि आपके बच्चे को ईश्वर में आस्था दिलाना है। दूसरा जो है माता पिता का सम्मान करना। अभी तो देखते ही हैं कि हर बच्चा पढ़ते हैं अपने आप को तो बहुत स्टाइलिश बना लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे जैसे ही वो क्लास में आगे बढ़ते हैं नौकरी लग जाती है, माता पिता का सम्मान भी करना भूल जाता है, ईश्वर में आस्था भी हट जाता है। तीसरा टॉपिक जो है सत्य निष्ठा और ईमानदारी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सत्य निष्ठा और ईमानदारी आपके बच्चे के अंदर में कुट कुट कर भरना है, सत्य निष्ठा और ईमानदारी। चौथा जो है आपका सहयोग की भावना, ये बहुत कम लोगों में दिखाई मिलता है। 100 में से 90% लोग जो होते हैं वो सहयोग की भावना में नहीं होते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, बस खुद का ही देखते हैं, किसी दूसरे का देखना नहीं चाहते हैं। तो आपके बच्चे के अंदर में सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। फिफ्थ में जो है आपका कर्तव्य निष्ठा की भावना। आपको बच्चा के अंदर में ये क्या क्या होना चाहिए कि कर्तव्य निष्ठा की भावना होना चाहिए। कोई भी चीज़ को करे वो कर्तव्य समझ के काम को करे कि भाई मेरा कर्तव्य है। जैसे मेरे माता पिता को बुढ़ापे का सहारे की लाठी बनना, बड़ों का आदर करना, हर फैमिली को अंत तक उसका सेवा करना, तो ये चीज़ बच्चों के अंदर में होना चाहिए। सिक्स्थ में है प्रेम की भावना। आप अक्सर देखते हैं कि बच्चों में प्रेम की भावना नहीं होती है, क्यों ना एक खिलौना से लेकर हो जाए फाइटिंग हो जाती है, झगड़ा हो जाती है, उसी बच्चों के झगड़ा में फिर फैमिली भी उतर जाते हैं, फैमिली फैमिली में झगड़ा हो जाते हैं। प्रेम की भावना नहीं है, खुद की सोचते हैं, दूसरों की सोचते ही नहीं है, प्रेम है ही नहीं है, न माता पिता से प्रेम करते हैं,
माता पिता कुछ बोलते हैं तो उसका जवाब देने लगते हैं, प्रेम नहीं है। दोस्तों से खेलते हैं उससे झगड़ने लगते हैं, रोज़ ऐसे कंप्लेन आते रहते हैं। एक ज़माना था, एक समय था कि हर बच्चा अपने दोस्त के ही थाली में खाया करता था, इतना प्रेम की भावना था। आज के ज़माने में वो नहीं होता है। तो अंदर से उस फीलिंग को लाना है कि प्रेम की भावना को आपके बच्चे के अंदर में जगाना है। प्रेम ही सबसे बड़ी धन होती है। प्रेम से आप किसको भी जीत सकते हैं, पूरा दुनिया को जीत सकते हैं। आपके बच्चों में वो गुण डालना है, प्रेम की भावना। प्रेम एक ऐसा हथियार है जो आप अपने दुश्मन को भी काबू कर सकते हैं। सेवेंथ पे आपका है देश के प्रति सम्मान। सबसे बड़ा चीज़ ये भी है कि देश के प्रति सम्मान होना चाहिए। आज देख लीजिए कि हमारा जो पॉलिटिक्स है, कुछ गंदे राजनीतिक लोग जो अपने देश को बर्बाद करके डाला है, एक दूसरे से लड़के मर रहे हैं। वो तुम इस पार्टी का है तो उसका विरोध कर रहे हैं, ये इस पार्टी का है तो उसका विरोध कर रहे हैं। यू मीन आप ये देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं और हम लोग सब शामिल इसमें हैं, सभी लोग क्या करते हैं, बस यही सोचते हैं, देश के प्रति सम्मान नहीं जगाते हैं, बस ये पार्टी जीतना चाहिए, ये अच्छे इंसान है, ये पार्टी जीतना चाहिए, ऐसे नहीं। अरे देश को जिताना होगा, देश को आगे बढ़ाना होगा, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। तो देश कब आगे बढ़ेगा, जब अपना देश का सब सम्मान करने लगेगा। एट नंबर पे है सहन शक्ति। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सहन शक्ति आपके बच्चे में होना चाहिए। सहन शक्ति है तो वो दुनिया के कोई भी मंजिल को हासिल कर सकता है। सहन शक्ति नहीं है तो वो पीछे ही रह जाएगा। सहन शक्ति को आपके बच्चे के अंदर में बढ़ाना होगा। कोई कुछ बोल दिया, अरे तुमको तो ये कुछ करना ही नहीं आता है, ये कर दिया, उसको क्या कर नेगेटिव में ले लेता है। सहन शक्ति नहीं, उसको नेगेटिव में लेकर और अपने आप को छोटा कर लेता है। नहीं कोई बात नहीं, आप इसको बोल दी मेरे पास क्वालिटी नहीं होगा, एक समय ऐसा आएगा कि मेरे अंदर में वो क्वालिटी होगा, आप देखोगे कि मैं कहाँ पहुँचता हूँ, है ना। ये दुनिया है ही ऐसा है कि आपको ऊंचा उठने नहीं देगा, आपको नेगेटिव थॉट दे के आपको गिराने की कोशिश किया जाएगा। तो आपके अंदर में सहन शक्ति होना चाहिए, आप उसको सहने की क्षमता रखेंगे, बस आपका काम ही जवाब देगा उसको। आप मुंह से कुछ ना बोले, आपका काम ही उसको जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा कि उसका घर से निकालना मुश्किल हो जाएगा। नाइन्थ पे है उज्ज्वल चरित्र। आपका चरित्र में कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, आपका चरित्र में कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जैसे चरित्र हम लोग को बनाना पड़ेगा, उनके जैसे चरित्रवान बनना पड़ेगा। टेंथ नंबर पे है बुजुर्गों के प्रति सकारात्मक सोच। आज का डेट में देख लीजिए, हर घर में एक न एक बुजुर्ग मिल जाता है। तो माता पिता जिस तरह का व्यवहार करते हैं, बच्चे भी उसे सीख जाते हैं, तब वो भी उस तरह से बूढ़े के साथ में, बुजुर्गों के साथ में उस तरह का व्यवहार करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये, जो भी टेंथ जो बताएं हम, ईश्वर में आस्था, माता पिता का सम्मान करना, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, सहयोग की भावना, कर्तव्य निष्ठा की भावना, प्रेम की भावना, देश के प्रति सम्मान, सहन शक्ति, उज्ज्वल चरित्र, बुजुर्गों के प्रति सकारात्मक सोच, ये सभी जो है ये आपको स्कूल से नहीं मिलेगा, स्कूल से बुक से नहीं मिलने वाला है। ये आप हर माता पिता पे डिपेंड करता है। हर माता पिता चाहेंगे तो इस 10 चीज़ को फ्लो करके आप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।